और यहाँ देखिए बीच रोड में बैठी, शायद आगे एक और टाइगर है। एस3 भी हो सकता है, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ गया है वो शायद। और इन नाले में अच्छा खासा पानी, कुछ सेकंड्स का यही हो रहा है वाले टाइगर में भी और यहाँ पर भी। रास्ते में एक डॉग कब में पट्टा खोल के मतलब भाग के, क्या हालत कर दी है पेड़ काट काट के। हल्द्वानी सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ थे, सब काट दिए इन्होंने रोड चौड़ीकरण के नाम पे। मेन हाईवे में, हल्द्वानी नैनीताल हाईवे में सारे पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, और कुसुमखेड़ा से लेके काठगोदाम तक जगह जगह इन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट दिए हैं, और कुछ बहुत बचे हुए हैं तो पता नहीं, ये लग रहा है कि ये भी काट देंगे। और फिर कहते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, पानी की किल्लत होने लगी है। और अब हम पहुंच गए खटीमा, अब जा रहे हैं पीली टाइगर से और गर्मा गर्म समोसे ले लिए हैं। पानी लेना था तो हम रुके थे, समोसे भी ले लिए हैं साथ में, समोसे भी ले लिए हैं साथ में और पानी भी ले लिया है। अगर बाई चांस भूख लग गई इन 2-3 घंटे में, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। वैसे तो हमने सोचा है कि 9 बजे तक वापस आ जाएंगे इधर को खटीमा की तरफ, तो अभी 7 बज चुके हैं। तो एक जगह पे रुक गए हैं और गर्मा गर्म समोसे खाए जा रहे हैं, फिर बढ़ते हैं आगे को। बहुत ही गर्म है लेकिन बढ़िया है। नहर में तो कम धुंध है, जैसे पहले नहर पड़ी इतनी धुंध थी उसमें। और यहाँ देखिए बीच रोड में बैठी है गौ माता। अभी वैसे तो दिन में जंगल की तरफ भी चले जाते हैं अंदर घास वगैरह के लिए, बट रात के टाइम ये झुंड में एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि इस पूरी रोड में टाइगर लेपर्ड कुछ भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि दोनों साइड में जंगल है। जो राइट साइड में है बीच में नहर भी है, तो लेफ्ट साइड से क्रॉस करके पानी के लिए, पानी पीने के लिए नहर के पास आते हैं एनिमल्स। तो जहाँ पर भी अभी रास्ते में ये गाय वगैरह दिखेंगी वो सब झुंड में ही रहती हैं, और जो अकेले घूमती हैं तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर टाइगर अटैक होते रहते हैं।
गाय वगैरह पर, जानवरों को तो एकदम से खींच के ले जाते हैं। और ये सुनिए जंगल की आवाज़, अभी 7:10 हुए हैं और कितना सुनसान है ये रास्ता देखिए। तो बात सिर्फ एनिमल्स की नहीं है, इंसानों के लिए भी रिस्की है इस रोड पे अकेले चलना या उतरना, क्योंकि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है इस रोड पे। तो इसी बोर्ड से थोड़ा आगे की तरफ, लास्ट टाइम जब हम आए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो भी, तो हमें सफारी हमने कर ली थी। उसके बाद जब हम वापसी के टाइम आ रहे थे तो हमें भालू दिखे थे, एक था और उसके साथ में 3 बच्चे थे, फिर थोड़ी दूरी पर एक और दिखा था, फिर एक और दिखा था, तो उस दिन हमें कुल मिला के 4 से 5 भालू दिखे थे और दिन का टाइम भी हमें एक दिखा था। जल्दी चलो, जी अभी हमें टाइगर दिखा है यहाँ पर और वो शायद क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है या उस तरफ गया, समझ में नहीं आया, लेकिन वो अभी वहीं पर है। छोटा था ना, फीमेल लग रही थी, स्टार फीमेल हो सकता है, एक और हो सकता है, थोड़े रुक जाते हैं। ये देखिए ये होता है, पूरी सुनसान रोड थी, हमें मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ दिख सकता है, यहाँ टाइगर दिख गया है। और मतलब वैसे तो सब कुछ देख ही चुके हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा पाइथन भी देखा है और भालू भी देखा, भालू इतने सारे देख लिए हैं, पीछे होके करके रुकते हैं। और बाकी के क्या देखा था हमने, सिविट कैट वगैरह देखी है, बस टाइगर दिखना रह गया था। और आज देखिए टाइगर दिख गया, मतलब उम्मीद, मुझे दूर से कुछ लाइट जैसे आंख चमक रही है ऐसा कुछ लगा था, बट ये उम्मीद नहीं थी कि टाइगर दिखेगा, मुझे लगा था डियर वगैरह हो सकते हैं, ये तो उम्मीद ही छोड़ दी थी क्योंकि कुछ भी नहीं दिखा था अभी तक पूरी रोड में, उतनी दूर से हमें कुछ नहीं दिखा था। और ऐसे क्रॉस करते जा रहा था तो हमें लगा काफ़ी बड़ा सा है, सांबर डियर तो नहीं है क्या है, जैसे ही थोड़ा सा और पास गए तो देखा कि टाइगर, आज टाइगर भी देख लिया। तो अभी आगे को चलते हैं क्योंकि गाड़ी भी आ रही है पीछे, और वो क्रॉस करके अभी तो अंदर की तरफ ही चली गई है, शायद वो फीमेल ही थी, वो भी बाद में देखना पड़ेगा, मेल था या फीमेल थी। थोड़ी देर बाद वो यहाँ मैं बता रही थी ना कि अभी जब रिटर्न आएंगे फिर देखते हैं, पीछे फिर गाड़ी वाला ऐसे हॉर्न बजाने लगता है ना, दिक्कत तो यही है। और यही नीचे को गई है, और जो ये एरिया है ये स्टार्टिंग का है, तो ये हो सकता है ये स्टार फीमेल हो, ये क्रॉस करके आई हो, या फिर ये चूका फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि वो भी ये इसके पीछे जो लेफ्ट साइड है ये चूका का ग्रासलैंड का एरिया ही है। हाँ, चूका फीमेल भी हो सकती है। और ये मैं बता रही थी ना आपको कि राइट साइड में नहर है, फिर उस तरफ को और जंगल है, तो स्टार फीमेल इस तरफ को तो वैसे मुश्किल है उसका आना, हो सकता है चूका ग्रासलैंड वाली फीमेल हो। ये लग बना है आज, मतलब टाइगर देख लिया, बताओ। सोचा था हमने टाइगर दिखेगा, वो ही है। तो हमने गाड़ी में गोप्रो भी सेट किया था और गोप्रो से क्या फुटेज बनी है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी अभी हमें टाइगर दिखा है यहाँ पर, और वो शायद क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है या उस तरफ गया, समझ में नहीं आया, लेकिन वो अभी वहीं पर है। चला गया यहाँ, हम सफारी किया करते थे
ये लाल पुल आ गया है। आज मुझे बहुत ज़िद थी, ये कह रहे थे कि नैनीताल चलते हैं, तो आज मैंने कहा आज काम नहीं है नैनीताल में, तो आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि पीलीभीत चलते हैं, पीलीभीत की साइड चलते हैं। उस रोड में बहुत याद आ रही थी मुझे कि सफारी करते थे, तो कम सफारी एरिया में तो नहीं जा सकते, बट मुझे था कि उस रोड में ज़रूर चलते हैं, बहुत मन था। और देखिए टाइगर देख लिया, तभी कहते हैं जब मन हो किसी चीज़ का तो वो पूरा कर ही लेना चाहिए। ग्रास कितनी बड़ी हो गई है, ग्रास इतनी बड़ी हो रही है सच में। ये भी एरिया जो है ये क्रॉसिंग है बराई फीमेल की, S2 भी इधर से मूव करता है, S3 भी जब था वो मूव करता था, S2 और S3 की फाइट इधर ही हुई थी इस रोड पे। और जो एक दो और टाइगर्स हैं जो इस जोन के, वो भी इधर से उधर मूव करते हैं इस प्लेन में। ये जोन राइट में जोन 1 है और लेफ्ट में जोन 2 है, तो हम जोन 1 में भी कई बार सफारी कर चुके हैं, जोन 2 में भी, और दोनों ही एरिया में हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, मैं बड़ा मिस करती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, जब से हमने लास्ट सफारी की थी जब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद से बहुत बार मन हुआ कि इधर की तरफ आएँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन आज बिल्कुल, जबकि बारिश भी बहुत थी हल्द्वानी साइड में, हम इतना लेट निकले वहाँ से, बहुत लेट निकले थे, 4:30 बजे के आसपास, 4:30 पे निकले थे। लेकिन मेरा मन था कि भले ही थोड़ी देर के लिए जाएँ, लेकिन जाते हैं। मौसम भी अभी तो, और अच्छी बात यह है कि अभी बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं हो रही है, और हो भी ना 1 घंटे और, थोड़ा सा 1 घंटे बस यहाँ घूमेंगे, उसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। तो अभी तो हमें जस्ट पीलीभीत के एरिया में एंटर होते ही, मतलब थोड़ा सा ही आगे को आए थे और टाइगर दिख गया, इतना बढ़िया, वो भी बिल्कुल खाली रोड में, क्या ही बोल सकते हैं, इतनी अच्छी साइटिंग, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। पहले मैं सोचती थी आज कुछ दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, मतलब कुछ भी, एक छोटा सा जानवर भी नहीं दिख रहा था, और जो पहला दिखा वो टाइगर ही दिखा। जैकल घूम रहा है रोड में, देखिए दो जैकल, दो इधर है, एक लेफ्ट पे है, ये तुम्हारे बगल में, जा रहा है उधर गया, कितने पास में है, मस्त घूम रहे हैं। बाय बाय बॉयज, और जैकल्स जो हैं वो है तो वाइल्ड एनिमल्स, बट उनका ह्यूमंस के अराउंड रहने का बहुत हाई वो हो गया है कि रेजिस्टेंट टाइप के हो गए हैं, वो यूज्ड टू हो गए हैं ह्यूमंस को, तो वो इतना जल्दी डरते नहीं है और भागते नहीं है। क्योंकि ये जो पूरी बस्ती वगैरह है वहाँ पे जैकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, देखिए एक और आ गया सामने, देखिए, और ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के बहुत अराउंड रहते हैं, क्योंकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं ज़्यादातर वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब यही जो खेत और ये जो इनके बगल में बुशेज हैं और ये सारे एरियाज हैं, इसमें ये ज़्यादा अपने आप को वो करते हैं, हाइड करते हैं, और जब इनको शाम को रात को निकलना होता है तब ये निकलते हैं। इस एरिया में जैकल्स की बहुत हाई पॉपुलेशन है, हम लोग पिछले साल जब हम सफारी कर रहे थे तब एक दिन हम रात को निकले थे और खेतों में ऐसा चिल्ला रहे थे जैकल्स, बहुत ही जोर जोर से। और अभी यहाँ बिल्कुल सुनसान ही चल रहा है क्योंकि सफारी आजकल बंद है, जैसे कि आप सबको पता ही है, तो टूरिस्ट भी अब बहुत ही, मतलब कुछ आ गए वैसे घूमने, तो सफारी तो बंद है, टूरिस्ट लिमिटेड हैं, जो सफारी के लिए आते हैं तो इस वक्त तो नहीं आएंगे, वैसे कभी कोई घूमने आ गए वो बात अलग है, तो इस वक्त रिजॉर्ट्स वगैरह भी सब खाली ही हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा है इस बीच, मतलब आज तो नहीं है, अभी तो बारिश नहीं हुई, अभी पापा से बात हो रही थी तो कहते हैं हल्द्वानी साइड में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इधर बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, अभी वही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि थोड़ा देर, आधा एक घंटा और ना हो बारिश। बड़ी बड़ी घास हो रही है, कहीं कहीं पे तो पूरा रोड तक आई हुई है। तो हम थोड़ा आगे तक एक राउंड मारकर वापस से सुरई वाली रोड पर ही आए, और ये आ गया था चूका बीच का गेट, चूका इको टूरिज्म का। और जैसे ही हम इस गेट से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, हमें बीच रोड में काफ़ी बड़ा टाइगर दिखा, लेकिन हमारी डिस्टेंस उससे अच्छी खासी थी, हम इतना दूरी पर थे फिर भी हमें दिख रहा था सामने। और उसके बाद मैंने फ़ोन ऑन किया, तो सोचिए कितना बड़ा टाइगर होगा, और उसके
जिस तरीके से बिल्ड थी और बड़े साइज़ का जो टाइगर था उससे ये लग रहा था कि शायद यह S3 है। तो जो इससे पहले हमें टाइगर दिखा था वो इस जगह से काफ़ी आगे था और इस टाइगर के मुकाबले वो छोटा था, इससे साइज़ में छोटा टाइगर था। तो इसीलिए हम अनुमान लगा रहे थे कि वो फ़ीमेल है, क्योंकि जो यहाँ पे जितने मेल टाइगर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बिल्ट में काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ह्यूज टाइगर्स हैं, तो जब हमें वो टाइगर दिखा था तो हमने दूर से ही जब देखा तो वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा ये दिख रहा था। और S3 भी इस एरिया में अक्सर देखा जाता है, इसलिए हम अनुमान लगा रहे थे कि S3 है, क्योंकि आजकल वो सफारी जोन में नहीं आ रहा है, चूका गेट के आसपास दिखता है। शायद मेल टाइगर था, एकदम से उस साइड से ही आके इस तरफ को गया है। लेकिन S3 भी हो सकता है, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, वो शायद रोड में ही चल रहा था, गाड़ी देख के अंदर की तरफ गया है। थोड़ा आगे से बैक करके आते हैं, खाली रोड है बिल्कुल, देखिए। तो एकदम से एक दो गाड़ियाँ और आ गई थी तो हमने सोचा उन्हें निकलने देते हैं। तो हम एक बार फिर से बैक करके आए हैं देखने के लिए, क्या पता वो रोड में आ जाए। ये तो ये कह रहे हैं कि शायद ये S3 हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो भाग के गया, जब से उसको चोट लगी है, इंजरी हुई थी जब S2 S3 की लड़ाई हुई थी, तो वो काफ़ी उसको चोट वोट लगी थी S3 को, तो वो अब इसी एरिया में रह रहा है ज़्यादातर। ये लेफ्ट के साइड में जंगलों में। और क्या जब सफारी चली थी तो गाइड्स कह रहे थे आजकल वो गाड़ी को देख के फौरन भाग जाता है। हाँ। तो जिस हिसाब से ये भागा है, बड़ा टाइगर था ये। हाँ। तो क्या पता ये S3 ही हो, ये जस्ट निकला हो और इसने हमारी गाड़ी देखी और चला गया वो अंदर। इसने जैसे ही गाड़ी की लाइट देखी दूर से ही ये एकदम से अंदर की तरफ चला गया। तो हम बस ये कंफर्म कर रहे थे कि हो सकता है वो टेरिटरी मार्किंग कर रहा हो रोड में, अगर वो अंदर चला गया तो फिर तो नहीं आने का, अगर वो रोड में ही चल रहा था तो वो आ सकता है। और गाड़ी हो सकता है ये वही फीमेल हो, हमें दूर से दिखा है थोड़ा, लेकिन मुझे ये थोड़े हेवियर टाइगर लगा, क्योंकि जो फीमेल दिखी थी वो काफी पीछे दिखी थी, जहाँ पे मतलब ये दिखा हमको उससे काफी दूर दिखी थी, और ये उससे बड़ा भी लग रहा था, क्योंकि मैंने काफी दूर से ही देख लिया था जब तक हमारी लाइट, गाड़ी की लाइट उस तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि हल्का आज उजाला मतलब चांदनी रात सी है, तो हल्की लाइट में मुझे काफी बड़ा सा एनिमल दिखा था, तो मैं बहुत दूर से मुझे पता चल गया था कि टाइगर है। तो लाइट जब तक उसके पास पहुंची, अब पता नहीं कितना क्या रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इतना पता चला होगा कि हाँ वो टाइगर है। तो अभी हमें आगे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा उसे स्पेस देना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, यहाँ पर टाइगर की फोटो है बनी, और बिल्कुल यहीं पर ही हमें टाइगर दिखा था। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेके, मतलब थोड़ा टाइम लगा के आएंगे, अगर रोड पे आना चाहता है तो, और हो सकता है वो इस एरिया में अंदर की तरफ भी चला गया हो। सफारी का एरिया, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और घास कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल रोड तक आ गई है घास, क्योंकि आसपास देखना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और अगर आप कभी इस एरिया में भी आते हैं तो गलती से भी रोड में तो ना उतरें, गाड़ी से बिल्कुल नीचे ना उतरें, क्योंकि आपने देखा ना दो दो टाइगर्स हमें उस रोड में दिखे हैं, और वहाँ बाइक्स भी चलती हैं। और जब ये पूर्णागिरी यात्रा चल रही थी उस समय, तो लोग तो पैदल भी चल रहे थे, पूर्णागिरी माता के मंदिर के लिए यात्रा चल रही थी तो उस समय लोग पैदल भी चल रहे थे। तो आपने अभी भालू तो मैं पहले आपको दिखाई चुकी हूँ, आज तो दो टाइगर भी दिखा दिए, तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्की हो सकता है वहाँ पर उतरना। कई लोग टॉयलेट वगैरह कर निकले भी उतर जाते हैं गाड़ी से, और कोई लोग फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी। लेकिन जो भी आपको दिखे आप गाड़ी से ही देखिए, और एनिमल्स को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टेंस बना के रखिए, और शोर मत करिए, और गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं उतरना है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप ऐसे जंगल वाले एरिया में कभी भी जाते हैं, और अगर इधर भी आते हैं तो। ये देखिए बाइक भी आ रही है अभी उसी एरिया से, और जब वो टाइगर अभी दूसरा दिखाया उसके बाद से बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं, तो अगर वो निकलना भी चाह रहा होगा तो अभी तो निकला नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी देख के एकदम से अंदर चला गया था। तो अभी हम आराम आराम से जा रहे हैं, और लाइटनिंग भी हो रही है, बहुत बिजली कड़क रही है। ये भी बैरिकेड्स लगे हैं, देखिए जोन 1 का एरिया है, ग्रास ही ग्रास है सब अंदर। आज मौसम भी ऐसा बना है बिल्कुल, और साइटिंग भी ऐसे धुआंधार धमाकेदार हुए जा रही है। पहले आते हुए राउंड में एक टाइगर दिखा, जाते हुए राउंड में एक और टाइगर दिख गया। और बाइक वाले इस एरिया से ऐसे तेजी से भागते हैं, बिल्कुल इधर उधर देखना ही नहीं चाहते हो। और वो यहीं से अंदर गया था बिल्कुल, जहाँ पे टाइगर की फोटो बनी हुई है, नहीं थोड़ा आगे से, यहाँ से गया था ना। तो अब आगे की तरफ चलते हैं,
अभी यहाँ पे रुक के तो कोई फ़ायदा नहीं है। S3 ने हमें बहुत साइटिंग दी है पहले जोन नंबर 2 में, बहुत ही मतलब ह्यूज मेल टाइगर, वन ऑफ द बिगेस्ट मेल टाइगर ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो बहुत बड़ा बहुत ह्यूज मेल टाइगर था S3, मतलब है, बट S2 और S3 की जब फाइट हुई थी तो उसे काफ़ी इंजरी हो गई थी, उसके बाद से वो इस एरिया में नहीं आ रहा है, सफारी जोन में नहीं आ रहा है, ना जोन नंबर 1 में ना जोन नंबर 2 में, वो यहीं इसी एरिया में रहता है। ये जो रोड जिसमें हम चल रहे हैं उसका जो राइट साइड में फॉरेस्ट है और लेफ्ट में थोड़ा सा नहर की साइड में, जोन की तरफ नहीं आता जहाँ सफारी होती है। तो जहाँ पर अभी हमें टाइगर दिखा है वो उस एरिया में भी दिखता है, कुछ लोगों को दिखा है पहले, और वो एकदम से अपना गाड़ियों का और ना लोगों का यूज टू है, क्योंकि वो अब डरा सहमा सा रहता है जब से उसकी फाइट हुई थी, तो एकदम से गाड़ियों को देख के, पहले भी जिन्होंने देखा है तो बता रहे थे कि गाड़ी देख के वो एकदम से भाग जाता है। तो जब हम आ रहे थे, हमको आने वाली साइड से बताऊं तो लेफ्ट से राइट में जाते हुए टाइगर दिखा था, और जब हम फिर वापस आ रहे थे तो उसी डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए टाइगर दिखा। तो जो पहले टाइगर दिखा था वो तो मुश्किल ही लग रहा है कि वो आया था, क्योंकि अंदर फॉरेस्ट की तरफ चला गया था, और जो दूसरा आया वो भी नहर की साइड से ही आया था जैसे कि पहला आया था, और वो भी जंगल की साइड दूसरे डायरेक्शन में चला गया था। अभी एक राउंड हमने मारा था, एक दो राउंड में हमें नहीं दिखा, तो अब हम खटीमा वाली रोड में ही वापस आ गए हैं। देखते हैं अगर स्लॉथ बेयर वगैरह दिख जाए, और इधर को भी टाइगर्स का मूवमेंट है, टाइगर्स यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में है, अगर यहाँ दिख जाता है यहाँ भी दिख सकता है तो यहाँ भी चांस ले लेते हैं थोड़ा सुरई वाले एरिया में। नहर से कैसी धुंध उठ रही है, अगर आपको दिख रही है थोड़ी बहुत, नहर की आवाज़ भी आ रही है, शारदा कैनाल है पास में बगल में। और देखिए रोड कितनी सुनसान है, कोई भी गाड़ी अभी नहीं आ रही है, और बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, और एक कोर एरिया मतलब टेरिटरी बोल सकते हैं टाइगर्स की, जंगल के बीच से ही रोड बनी है, जंगलों के बीच से, ये हमेशा से ही वाइल्ड एनिमल्स का एरिया है, लोगों को सुविधा हो सके इसलिए रोड बनाई गई है। तो ये कभी गलत फहमी में मत रहिए कि हमारा रास्ता है और जानवर इस रास्ते में आ गए हैं, ये जगह उनकी है और हमें परमिशन मिली है इस जगह से जाने की, तो उन्हें हमें हमेशा पहला राइट देना चाहिए, हमें हमेशा उनको पहला राइट देना चाहिए अगर रोड में दिख रहे हैं उन्हें क्रॉस करने के लिए या उन्हें चलने के लिए, हमें पहला राइट देना चाहिए हमेशा, और गति अपनी नियंत्रण में रखनी चाहिए हमेशा। हाँ, अपनी स्पीड कंट्रोल में रहनी चाहिए, 30 से ऊपर नहीं चलाना है इस रोड में। थोड़ा सा ये पैच है जो डेंस फॉरेस्ट का है, सिर्फ यही नहीं बाकी भी जो जंगल के बीच से रास्ते जा रहे हैं, ये ध्यान में हमेशा रखिए कि कोई भी एनिमल कभी भी कहीं से निकल सकता है, ये उनका राइट ऑफ द वे है। तो बारिश के बाद टेरिटरी मार्किंग पे निकलते हैं टाइगर्स, क्योंकि जो अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हैं वो यूरिन स्प्रे करके, तो बारिश में तो सब धुल जाती है, स्मेल सब गायब हो जाती है, इसीलिए वो बारिश के बाद निकलते हैं टेरिटरी मार्किंग पे। वो कब किस समय निकले वो कोई नहीं जान सकता, लेकिन हाँ इवनिंग में या रात को या अर्ली मॉर्निंग कभी भी निकल सकते हैं बारिश के बाद। और इस साइड को तो रोड गीली नहीं दिख रही है, जिस साइड को हमें टाइगर्स दिखे थे वहाँ रोड पूरी गीली थी, यानी कि बारिश हुई थी उससे कुछ ही टाइम पहले। और अब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया से वापस आ गए हैं सुरई की तरफ, मतलब वापसी की तरफ, अगर रास्ते में कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड, वरना सीधे अब घर की तरफ चलेंगे क्योंकि अब 9 बजने वाला है। तो जी अब आ गए हैं हम अपने उत्तराखंड में वापस। तो यहाँ पर हमें दिखा था रोड के राइट साइड में पॉर्क्यूपाइन, और फ़ोन ऑन करने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो गोप्रो ऑन था तो उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा हल्का सा। और अभी वापसी के समय हमें यहाँ पे पॉर्क्यूपाइन दिखा, तो हम इसलिए रुक गए, बिल्कुल रोड के किनारे पर था और हम चले जा रहे थे, तो थोड़ा बैक आके वेट कर रहे हैं, क्या पता वो बाहर निकल के आए फिर से, यहीं पे बैठा हुआ था। और रोड के बिल्कुल बीच में गाय चल रही है, तो लोगों का भी क्या ही बोलें, जब तक
उनके लिए यूज़फुल होती हैं, गाय बैल बछिया, तब तक तो रखते हैं और फिर उसके बाद ऐसे जंगलों में छोड़ देते हैं। कई बार तो कई लोग छोड़ देते हैं और कई बार वो चारे के लिए दिन में छोड़ते हैं और उसके बाद वापस वो ले जाते ही नहीं है, वो ऐसे ही रात को जंगलों में घूमती रहती हैं। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी रिवी साइड को, और यहाँ देखिए कितनी भयानक बारिश है खटीमा से सितारगंज की तरफ में। और अभी टेंशन यह है कि आगे नाला ना आ गया हो जहाँ पे रपटा है, जहाँ मैं आदेश में आपको दिखा रही थी कि जिस जगह पे ज़्यादा पानी आ जाता है रपटा जैसा बना हुआ है, तो बस यही है कि वहाँ पे अभी ज़्यादा पानी ना हो, वरना फिर वहाँ से वापस आके दूसरा रूट हमें लेना पड़ सकता है जो काफ़ी लंबा पड़ेगा। अभी देखते हैं आगे को कैसा है मौसम, अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश है। वो वहीं पर पुलिस वाले बता देंगे नाला आया हुआ तो। और इन नाले में अच्छा खासा पानी है। और बढ़ सकता है, थोड़ा और देर होती है तो फिर और बढ़ सकता था पानी। अभी रास्ते में चोर गलिया से पहले कुछ क्रॉस करके दिखा रोड में, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली से काफी बड़ा था और टाइगर जितना बड़ा भी नहीं था, थोड़ा छोटा था। घर थे आसपास वहाँ से क्रॉस में और पूरा राइट साइड में पूरा जंगल ही है, तो कुछ सेकंड्स का यही हो रहा है वाले टाइगर में भी और यहाँ पर भी। रास्ते में एक डॉग अपने पट्टा खोल के मतलब भाग के आ गया और एक डॉग काले रंग का, हाँ। उसको बचाने के चक्कर में 2 सेकंड स्लो हुए। एक डॉग कहीं से आ गया था, चेन भी थी उसकी, तोड़ता हुआ आया था वहीं घरों के आसपास से शायद आया, एकदम से रोड पे बिल्कुल ब्लैक डॉग था तो एकदम से दिखा भी नहीं हो, तो उसको जैसे ही लाइट पड़ी जब हमें दिखा तो हमने थोड़ा स्लो करी गाड़ी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे हम लेट हुए। और इतने में थोड़ा आगे गए तो हो सकता है कि उसकी वजह से भागा या क्या भागा। तो पूरा फॉरेस्ट ही है रास्ते में, नंदौर का पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ सारे एनिमल्स हैं, लेपर्ड है, टाइगर्स हैं। तो क्या था ये नहीं पता, सस्पेंस रह गया, बस पूछ और पहरे देखे बात के, और थोड़ा दूरी पर थे तो कुछ समझ में ऐसा नहीं आया, लेकिन जो भी था वो थोड़ा बड़ा था, टाइगर से छोटा और बिल्ली से थोड़ा बड़ा था। अब ये भी हो सकता है लेपर्ड कैट हो, कुछ नहीं कह सकते। सो गाइस अब हम वापस पहुंच गए हैं हल्द्वानी और बहुत अच्छा आज हमारा ट्रिप रहा, मतलब हमारी नाइट ड्राइव, इवनिंग ड्राइव जो भी आप कह सकते हैं। 2 टाइगर्स दिखे, एक तो बहुत बढ़िया दिखा, दूसरा भी अच्छा दिखा, नज़रों से तो बहुत अच्छा दिखा लेकिन वीडियो में एक्चुअल पता नहीं चल पाया कि कौन सा टाइगर है, बट बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। तो हम इससे भी जल्दी टाइम से आना चाह रहे थे क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमें नैनीताल के लिए भी जाना है। और फिर 2 टाइगर्स वहाँ दिखे और नंदौर एरिया में भी कुछ तो दिखा था, आप कह नहीं सकते क्या था, लेपर्ड था कि लेपर्ड कैट थी या टाइगर था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा ये बिल्ली तो के साइज़ का तो नहीं था, थोड़ा बड़ा ही था, लेपर्ड कैट से भी थोड़ा बड़ा सा था। अब जो भी था क्योंकि डाउन की तरफ जा रहा था, पूंछ दिखी और धारी टाइप की थी पूंछ में, जैसे कि टाइगर की होती है लेपर्ड कैट की भी होती है शायद। तो अब हम फिर आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।